खाटू वाले शाम को मैं करता प्रणाम, कार्य मेरे सारिए ओ बाबा खाटू श्याम, ओ मेरे खाटू श्याम। जय श्री श्याम भक्तो, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं श्री श्याम जी महाराज के चमत्कार की सच्ची घटनाओं को लेकर। आज का यह प्रसंग, किसी बड़े से बड़े चमत्कार की मैं यदि बात करूं तो उससे भी बड़े वाला है, क्योंकि मित्रों जीवन के अंदर मनुष्य के कई बार ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है जहां पर उसके द्वारा किया गया प्रत्येक प्रयत्न, प्रत्येक प्रयास विफल हो जाता है। ऐसी ही घटना एक बार घटित होती है हिसार के एक श्याम प्रेमी के साथ में। वह श्याम भक्त अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ, अभी उसका विवाह हुआ है और मन में बड़ा भाव है कि जाकर के अपनी धर्म पत्नी सहित खाटू श्याम नरेश के मैं दर्शन करूंगा, बाबा को धन्यवाद दूंगा और सुखद दाम्पत्य का आशीर्वाद लूंगा। अपनी भक्ति से उत्प्रोत अपने भावी जीवन की जो खुशियां हैं उनकी प्राप्ति के लिए उत्साही वह श्याम भक्त, श्याम प्रेमी बाबा खाटू की नगरी में आ जाता है और वहां पर देवस ऐसी घटना घटित हुई जो उसके जीवन के अंदर भयंकर तबाही लेकर आती है। मित्रों वह घटना इस प्रकार से है, वह श्याम प्रेमी अपनी धर्म पत्नी को वहां एक धर्मशाला में छोड़ करके, जहां पे वो रुके हैं कुछ समय, बंदा रुकता है कि थोड़ा रेस्ट कर ले, नहा धो ले, फिर बाबा के दर्शन करेंगे। धर्मशाला में अपनी पत्नी को छोड़ करके वह बाजार से कुछ खरीदने के लिए चला जाता है। देवस होनी तो अटल होती है और उसके जीवन की आज सबसे बड़ी दुर्घटना का यह दिन था, क्योंकि उसकी जो धर्म पत्नी है वह किसी कारणवश धर्मशाला की छत पे गई, वहां पर पैर फिसलने से नीचे गिर पड़ती है और उसकी मित्रों हाथों हाथी मृत्यु को वह प्राप्त हो जाती है। वह श्याम प्रेमी जब आता है धर्मशाला में, बड़े उत्साह के साथ वह आ रहा है, बड़ा ऐसे उसके मन में एक धुन है, श्याम जी का जाके दर्शन करूंगा, सुख दाम्पत्य का आशीर्वाद लूंगा, बड़े भाव के साथ आकर और अपनी पत्नी को आवाज देता है कि कहाँ हो। तभी उसको घटना का पता चलता है, वहां पे भीड़ को देखकर दौड़ कर जाता है तो उसके पांव के नीचे की जमीन निकल जाती है, उसकी धर्म पत्नी वहां पर बदहवास हालत में पड़ी है। जाके देखा कोई नब्ज नहीं, कोई धड़कन नहीं, कोई श्वास नहीं। क्या हो गया श्याम बाबा, क्या लेने आया था, मन में वह सोच रहा है और विलाप कर रहा है और इस घटना से वह क्या करे क्या नहीं करे ऐसी स्थिति में पहुंच गया। चाहूं और उसे अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था, अपने जीवन का कोई भी किनारा, कोई भी सहारा अभी नजर नहीं आ रहा था। उसी समय एक भक्त के मुख से श्याम बाबा की प्रेरणा हुई और भक्त ने कहा, बुजुर्ग व्यक्ति थे, कि बेटा कुछ भी मत करो, हारे का सहारा खाटू श्याम प्यारा है, अपनी इस धर्म पत्नी की डेड बॉडी को, लाश को लेकर के सच्चे दरबार में चले जाओ, अब तो केवल और केवल उसी के हाथ में सारे चमत्कार है। अपने उस साथी भक्त के मुख से निकले हुए इन वचनों को वह आत्मसात करता है और बदहवासा केवल खाटू श्याम का आश्रय लेकर के वह लड़का अपनी धर्म पत्नी की लाश को उठा करके श्याम दरबार में हाजिर हो जाता है। भक्तराज श्री छोटूलाल जी उस समय ध्यान मग्न थे। मित्रों इस घटना का लेखन जो कर रहे हैं वो भक्तराज श्री राम नारायण जी चावल वाले कर रहे हैं। यह घटना संपूर्ण खाटू इतिहास नामक पुस्तक के अंदर वर्णित है, बिल्कुल सत्य घटना है। भक्तराज श्री छोटूलाल जी उस समय ध्यान मग्न थे और वह लड़का अपनी पुकार लेकर के, अपने भावों को लेकर के, जीवन के आसरे की उम्मीद लेकर के श्याम बाबा के आगे हाजिर होता है, पुकार लगाता है। भक्तराज जी को प्रेरणा हुई ध्यान में, उन्होंने वहां पर उपस्थित हबड़ा निवासी श्री मोतीलाल जी कानोडिया को कहा कि गंगा जल मिश्रित करके श्री श्याम प्रभु के जो स्नान का जल है उससे छींटा लगाइए। और जैसे ही भक्तराज के उस आदेश की पालना हुई है और उस गंगा जल मिश्रित से श्याम स्नान के जल का जैसे ही छींटा दिया गया है, उस लड़की की लाश पे श्री श्याम श्याम कहते हुए
वह स्त्री उठकर बैठ जाती है। मित्रों, ऐसे हैं मेरे श्याम बाबा, जो जीवन के अंदर चाहे कितनी ही बड़ी हार आपकी हो रही हो, उसको क्षण भर में जीत में बदल देते हैं। मित्रों, आपसे उम्मीद करूंगा कि श्याम बाबा के नाम से आप कमेंट में कम जय श्री श्याम जरूर लिखेंगे। आप सब भक्तों पर श्याम बाबा की कृपा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हारे के सहारे की जय।